हो आप सभी दोस्तों, मेरे पास कई सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि आप वेल्डर की मिनिमम सैलरी बताओ कि दुबई में एक वेल्डर कितना रुपए तक मंथली कमा सकता है अगर वो एक्सपीरियंस्ड है, विदाउट एक्सपीरियंस्ड है, फ्रेशर है, अगर वो स्टार्टिंग में कहीं काम पे लगता है दुबई में एज ए वेल्डर, तो वो कितने रुपये तक आराम से अर्न कर सकता है। ठीक है, मैं आपको बता दूँ, अगर आप ट्रेनिंग लेवल पर भी लगते हो तो आपको कितने रुपये तक मिल जाती है वो भी मैं अभी आपको बताऊँगा। 2 मिनट की वीडियो है, ठीक है, कंप्लीट देख लो, जो भी डाउट है आपके अंदर सारी क्लियर कर दूंगा। जैसा कि आपको बताया, जो पिछले मैंने वीडियो बनाई थी वेल्डर से रिलेटेड दुबई में, उन पे लगभग 30,000 लोगों ने उस वीडियो को देखा और काफ़ी सारे लोगों ने मेरे कमेंट किया कि भाई सैलरी के बारे में कुछ बताओ कि अभी 2021-2022 आने वाला है तो उसमें कितने रुपये तक इंडिया में, अगर इंडिया से कोई काम करता है या फिर कहीं से भी आप वेल्डर का काम करते हो तो आप दुबई में कितने रुपये तक कमा सकते हो मंथली। ठीक है, मंथली कितने रुपये तक बढ़ा है घटा है सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आराम से अगर आप वेल्डर्स ITI से कर रहे हो या फिर आप कहीं काम सीख रहे हो, ठीक है, आपने कहीं ट्रेनिंग ली हुई है, सबके लिए वीडियो है तो आराम से देखो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, एक वेल्डर की जो मिनिमम सैलरी है दुबई में वो डिपेंड करता है आपके स्किल के ऊपर, आपको कितने अच्छे तरीके से काम आता है, कितने अच्छे तरीके से आप उस काम को कर सकते हो। डिपेंड ये नहीं करता है कि आप कितने दिन का एक्सपीरियंस हो, डिपेंड ये करता है कि आप 2 महीने के भी एक्सपीरियंसड हो लेकिन आप कितने बढ़िया से उस काम को कर पा रहे हो। ठीक है, ये चीज़ें सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं, एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता है कि आप 1 साल एक्सपीरियंसड हो। 1 साल अगर आप 1 साल कहीं काम किए हो तो ऑब्वियसली बात है कि आप अच्छे से वो काम कर सकते हो, लेकिन आप 2 महीने भी काम किए हो लेकिन वो जो बंदा 1 साल एक्सपीरियंसड है उससे भी अच्छे से काम कर रहे हो तो आपको भी उतनी ही सैलरी मिलेगी जितनी उसकी मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं, इंडिया में ये चीज़ें थोड़ी बहुत कम है बट यहाँ दुबई में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें रहती हैं। और मैं आपको बता दूँ, सैलरी की अगर बात है तो लगभग 40,000 रुपये तक तो स्टार्टिंग में फिक्स है। ठीक है, 40,000 रुपये आप स्टार्टिंग में आराम से कमा सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और अगर बात करें हम एक्सपीरियंसड की, तो एक्सपीरियंसड यहाँ पे 1-1.5 लाख रुपये भी मंथली कमा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वेल्डर कई सारे जो हायर वेल्डर हैं जो मतलब 10 साल से काम कर रहे हैं दुबई में, 12 साल से काम कर रहे हैं दुबई में, वो लगभग 1 लाख रुपये तक भी अर्न कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, रियली बता रहा हूँ, मैं वैसे फेक या फ्रॉड चीज़ नहीं बता रहा हूँ, रियली बता रहा हूँ, 1 लाख रुपये तक अर्न कर रहा है। 80,000-90,000 रुपये अभी मेरे एक रिलेशन के थे, वो भी उतना ही पा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो आप 10-12 साल अगर आप कर ले तो दुबई में, तो आपको उतनी सैलरी आराम से मिल जाती है। बाकी तो आप दुबई जाना चाहते हो तो आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वेल्डर्स के लिए बेस्ट है। ITI अगर आप कर रहे हो तो दुबई बेस्ट है। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करो। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।